नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने रखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन पर हुई समीक्षा बैठक में हरियाणा का पक्ष। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मांग की है कि जल जीवन मिशन में राष्ट्रीय अभियान के तहत हरियाणा की ढाणियों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 20 घरों व 100 की आबादी की शर्त को छूट प्रदान की जाए, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ढाणियों में रह रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव जल एवं स्वच्छता कमेटी की मॉनिटरिंग का कार्य भी जिला परिषदों के अधीन करने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को इस बात की जानकारी भी दी है कि 2021 तक प्रदेश के 3 जिलों नाबता, अम्बाला, कुरुक्षेत्र व पंचकुला के 17 खंडों 916 ग्राम पंचायतों में 100% पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2021 को अम्बाला जिले को कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन जिला में बनाया जाएगा और इसके हर गांव में हर घर तक पेयजल कनेक्शन क्रियात्मक रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के 100 दिन के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय अभियान के क्रियान्वयन आंगनवाड़ी केंद्रों व स्कूल में पीने के पानी के लिए शौचालयों के लिए तथा नल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी समीक्षा आज की शेखावत ने राज्यों के प्रभारी मंत्रियों के साथ की। पलपल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में जो टारगेट हमको दिया गया है कि 31/12/2022 तक हम लोग 100% ये ग्रामीण जल वितरण के जो कनेक्शन हैं ये सब हम दे देंगे। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, 31 लाख हमारे ऐसे कनेक्शन देने का हमारा जो टारगेट है, उसमें से 24 लाख के लगभग हमने पूर्ण कर लिया है, अर्थात 77% टारगेट हमने अचीव किया है। और इस वर्ष का जो टारगेट हमारा 7 लाख कनेक्शन का था, उसमें से 5,20,000 कनेक्शन हम दे चुके हैं। और जैसा इन आंकड़ों से जानकारी हम सबको हो रही है कि हरियाणा का स्थान गोवा, क्योंकि छोटा प्रदेश है, उसके तो मात्र 2 लाख कनेक्शन ही है। अगर गोवा छोड़ दें तो उसके बाद गुजरात और तेलंगाना, हिमाचल को भी किसी मात्रा में कह सकते हैं, हालांकि उनके भी कनेक्शन 2-2.5 लाख ही हैं, तो हमारा तीसरा या चौथा स्थान बनता है। हमारी प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक है, फिर भी हम इसको बहुत जल्दी पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं। जहाँ तक हमारी जो परफॉर्मेंस है, इसमें लो फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात कही गई है, ये मैं मानता हूँ कि आंकड़ों के हिसाब से तो हमने 751 करोड़ में से जो हमारा खर्च हुआ है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन इसमें एक आंकलन यदि और किया जाए कि अगर हम इन सब प्रदेशों के पर कनेक्शन जो कॉस्ट है उसका भी अगर हम इस आंकलन में एक विचार दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश का जो खर्च है वो इसलिए कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम पहले फेज़ में सारे कनेक्शन दे रहे हैं, और अभी तक का जो हमारा खर्च आता है वो पर कनेक्शन आ रहा है 2,819, जबकि यही गोवा का 8,200 रुपया पर कनेक्शन है और गुजरात का 4,500 रुपया पर कनेक्शन है। तो इसलिए जहाँ खर्च की पर कनेक्शन की बात है, उसको भी कंसिडरेशन में ज़रूर लिया जाए हमारा जो पैरामीटर्स है उसके अंदर। लेकिन फिर भी हम जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि 31 मार्च तक हमारा जो अगले नए प्रोग्राम, जो नया जो प्रोजेक्ट के काम बाकी बचे हुए हैं उसको शुरू करने के लिए, कोरोना के कारण से भी थोड़ा सा हम उसको प्रगति नहीं दे पाए, लेकिन मार्च तक इस काम को खर्च के हिसाब से उसको भी पूरा करेंगे। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का विषय है, हमारे यहाँ 12,953 विद्यालय हैं, जिसमें 12,918 विद्यालयों में तो पहले से ही पानी की, टॉयलेट की सब व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं। केवल 27 स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर अभी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। जहाँ तक आंगनवाड़ी का विषय है, 25,962 आंगनवाड़ी हैं, जिसमें से 20,800 में पहले से ही ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, केवल 5,160 यही आंगनवाड़ी बाकी बची हैं। और इसको हम अगले 2.5 महीने में, अर्थात 2 ही महीने में, नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर 2020 तक ये सारा काम हम पूरा कर देंगे। जहाँ तक 26 जनवरी 2021 तक एक जिला इसको पूर्ण रूप से इसको जल यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो जल वितरण का कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाए, तो उसमें हमने अम्बाला जिले को ऐसा छाटा है कि वो 26 जनवरी 2021 तक ये पूरा हो जाएगा। और 31 मार्च 2021 तक भी 2 अन्य जिले, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, ये जिले भी पूरे हो जाएंगे। और इसी प्रकार 31 मार्च 2021 तक, जहाँ तक ब्लॉक्स की बात है, हमारे 142 ब्लॉक्स में से 17 ब्लॉक ऐसे हैं जो 100%
और इन कनेक्शन से भरपूर हो जाएंगे। मान्यवर, एक विषय मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि हमारे यहाँ कुछ जिलों में खेतों में ढाणियाँ बहुत हैं और उन ढाणियों में पानी पहुँचाने की जो कंडीशन लगी हुई है वो है 20 घरों अथवा 100 की आबादी हो। मेरा कहना है कि इस लिमिट को हटा देना चाहिए, चाहे हम पाइपलाइन से कनेक्शन ना दे सकें, वहाँ यानी स्टैंड अलोन कोई योजना बनाकर उसको भी इसमें जोड़ा जाए। हमारे कुल मिला के इसमें 32 फ्लोराइड अफेक्टेड अब गांव हैं, सिर्फ 32, और इसको हम आसपास के गांव से पाइपलाइन ले जा करके और ये भी 31 मार्च 2021 तक पूरा कर देंगे और टाइमलाइन के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। जहाँ तक विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज़ का विषय है, हमारी सभी 6178 कमेटीज़ 100% ये बन गई हैं। विलेज एक्शन प्लान में भी 3802 अर्थात 62% कमेटीज़ ये बनी हैं। एक विचार और हमारा चल रहा है कि इन विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज़ का जो गांव के हिसाब से बनी है, इसमें हमारी जो जिला पंचायत है, जिला परिषद लेवल पर भी हम कुछ अरेंजमेंट मॉनिटरिंग का ऐसा करना चाहते हैं ताकि वो काम प्रदेश के साथ साथ हमारी जो जिला परिषद की इकाइयाँ हैं वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। ये भी एक सुझाव हमारी ओर से आपको है, अगर बाकी जगह भी कर सकें ठीक है, नहीं तो हम इसमें प्रयोग करके ये देखना चाहते हैं और मैं आशा करता हूँ इसकी आप हमें अवश्य अनुमति देंगे। कुल मिलाकर ये फंक्शनैलिटी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। हमारे कुल 22 जिलों में से और 18 जिले तो कैटेगरी 1 में आते हैं, 3 जिले कैटेगरी 2 में आते हैं और मेवात कैटेगरी 3 में है। वहाँ पानी की सप्लाई जैसा आपने कहा बहुत, यानी एक हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, हम यमुना नदी में से ही और जो पाइपलाइन ले जा करके वहाँ देने की प्रक्रिया इसकी शुरू की है और बहुत जल्दी वो सारा पूरा होने के बाद उस काम को हम शुरू करा देंगे। पानीपत जिला एक ऐसा जिला है जहाँ बहुत से गांव यमुना के किनारे किनारे हैं, तो यमुना के किनारे जो गांव हैं उनकी उनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ व्यवस्था चलेगी नहीं, हमको आवश्यकता भी नहीं है, हमारा पानी बहुत अच्छा, नदी के बेड का जो नज़दीक पानी है उसी से हम काम चलाएंगे। तो ऐसे कुछ गांव हैं जो वहाँ इच्छुक नहीं है कि हमारे यहाँ से नल से जल देने की कोई आवश्यकता रहेगी।